हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं टॉप 5 पीजी डिप्लोमा कोर्सेज इन कनाडा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो जो 5 कोर्सेज है वो 5 कोर्सेज के लिस्ट ऐसे। सबसे पहला है बायोटेक्नोलॉजी, सेकेंड वन है एजुकेशनल टीचिंग एंड काउंसलिंग, थर्ड वन है नर्सिंग, फोर्थ वन है बिजनेस एंड डेटा एनालिसिस, एंड फिफ्थ है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये 5 कोर्सेज है। 5 कोर्सेज के अंदर क्या आता है, कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, कौन से स्टडी बैकग्राउंड वाले कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, सारी डिटेल मैं 1 by 1 कोर्सेज के हिसाब से आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक को लेके, कोर्सेज को लेके। तो सबसे पहला है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ऐसा है कि ये कोर्स कैनेडा के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कोर्सेज है, बिकॉज ऑफ ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो इसके लिए इनको इतने सारे मैन पावर की और ये स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है, जो उनको बायोटेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उसी के अंदर उनको हेल्प हो जाए और उनका करियर अच्छा बन जाए। उसके लिए ये कोर्सेज सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में और टॉप 1 पे है। ये कोर्स के साथ आपको हेल्थ केयर और मेडिसिन और न्यूट्रिशन तीनों इंडस्ट्री के आपके पास अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। और इसके लिए आपके पास साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। उस और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो ये कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो ये सबसे फर्स्ट और मस्ट वाला कोर्स है कि जिसके अंदर आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। और अगर ये कोर्सेज आप कनाडा में कंप्लीट कर देते हो तो आपके पास करियर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक। सेकेंड जो कोर्स है वो है एजुकेशन टीचिंग एंड काउंसलिंग। एजुकेशन टीचिंग और काउंसलिंग के अंदर ऐसा है कि आए दिन टीचर्स की इतनी रिक्रूटमेंट आती रहती है और काउंसलर्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर काउंसलर की रिक्वायरमेंट होती है। जो स्टूडेंट होते हैं वो ओवरसीज के स्टूडेंट आते हैं, उनको साथ कनेक्ट करने के लिए उनको काउंसलर की ज़रूरत होती है, ताकि वो स्टूडेंट को उनकी लैंग्वेज में और उनका काउंसलिंग करे कि जो कंट्री में आ रहे हैं या जो कॉलेजेस में आते हैं वो उनको कितना हेल्पफुल होगा। जो कोर्स ले रहे हो कोर्स सिलेक्शन के अंदर उनको हेल्प करेंगे, और उनको अगर कोर्स सिलेक्ट कर दिया है तो कॉलेज क्यों इनके लिए, ये कॉलेज जो कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉलेज उनके लिए क्यों अच्छी है, वो सारी चीज़ों का काम करना होता है काउंसिलर का। और टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट को गाइड करते हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये दोनों की अपॉर्चुनिटी हमेशा ओपन रहती है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरी कंट्री। बिकॉज ऑफ स्किल होती है तभी स्किल, एजुकेशन होता है तभी स्किल डेवलप होती है, और स्किल के बाद ही कंट्री ग्रो करती है। तो ये सेकेंड लेवल पे है एजुकेशन और काउंसलिंग कोर्स। अब हम बात करते हैं थर्ड वन कोर्स। थर्ड वन कोर्स होता है नर्सिंग का। अब हर एक कंट्री के अंदर मेडिकल जो डोमेन होता है वो हमेशा ओपन रहता है, वो कभी बंद नहीं होने वाला डोमेन होता है। और आप सभी को पता है कि रिसेंट में पूरी दुनिया ने कोविड के सामने फाइट की थी, तब मेडिकल इमरजेंसी काफ़ी हुई थी। तो नर्सिंग ऐसा है कि जहाँ पे जो लाइक बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसे है कि यूथ कम है बट ओल्ड एज पीपल्स ज़्यादा है, तो कैनेडा में भी यूथ के हिसाब से ओल्ड एज पीपल भी काफ़ी है। तो उसके हिसाब से नर्सिंग और मेडिकल इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हुई है। नर्सिंग के रिक्वायरमेंट 24 आवर बैडली रहती है कैनेडा के अंदर, बिकॉज ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट जो भी ओल्ड एज वाले होते हैं उसको फ्री में मेडिकल सर्विसेज देती है। दैट्स वाई 24 आवर डिमांडिंग रिक्वायरमेंट होती है नर्सिंग की। तो अगर आप नर्सिंग का कोर्स करते हो और उसके लिए आपका बैकग्राउंड साइंस होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो अगर ये कोर्स आप करते हो तो आपके पास जॉब के जो अपॉर्चुनिटी है वो समझ लो कि जैसे आपका कोर्स ख़त्म हुआ और आपके डोर पे जॉब खड़ी है कि वी आर लुकिंग फॉर XYZ नर्स। तो ये आपके लिए ऑन डिमांडिंग कोर्स है जो आपका करियर अच्छे से डेवलप करता है। मैं नेक्स्ट बात कर रही हूँ बिजनेस एंड डेटा एनालिसिस। बिजनेस और डेटा एनालिसिस ऐसा है कि हर एक सेगमेंट, हर एक कंपनी ग्रो करने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप को इनवाइट करती है, और स्टार्टअप जब आता है उसके साथ उनके डेटास के ऊपर भी काम होता है। जैसे 2 या 3 ईयर्स ओल्ड कंपनी होती है जिस कंपनी को ग्रो होना है या फंडिंग के लिए जाती है, कहीं पे भी बिजनेस के लिए स्टार्टअप में या फिर कोई कंपनी ग्रो में जाती है, दैट टाइम कंपनी डेटा के ऊपर काम करती है। उनके पास डेटा के साथ वो कैलकुलेट करके उसका एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर आगे प्रोसेस करती है। तो डेटा एनालिसिस और बिजनेस ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस और पार्ट्स नंबर के हिसाब से कंपनी कैसे ग्रो कर पाएगी और कंपनी किस तरह से आगे जाएगी और कंट्री को क्या
इनपुट दे पाएगी। उसके लिए ये कोर्स भी हाईली डिमांडेड है। अगर आप ये कोर्स भी ले रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। और हाँ, ये कोर्स के लिए आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कॉमर्स होगा या फिर कोई भी इंजीनियरिंग होगा, इट विल बी गुड, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कंपलसरी नहीं होता है कि आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। अब लास्ट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। ये कोर्स ऐसा है कि ग्लोबली बिजनेस मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए ही चाहिए, और इसके अंदर आपका एजुकेशन का कोई पार नहीं होता है। एनी ग्रेजुएट पीपल कैन अप्लाई दिस कोर्स, राइट। उसके अंदर आप अप्लाई करते हो तो हर कंपनी के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कोई ना कोई पर्सन होने चाहिए। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई भी कंट्री में जाते हो, आपके लिए ये जॉब की वैकेंट हमेशा ओपन रहेगी। तो ये आपको मैंने बता दिया पाँचों कोर्सेज के बारे में। तो अगर आप कनाडा के लिए 2023 के लिए प्लान कर रहे हो, कि जैसे आप जनवरी इंटेक के लिए प्लान कर रहे हो, तो अगर आपका जो एजुकेशन साइंस है, तो मैंने ऊपर बताया 3 या 4 कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका कॉमर्स है तो लास्ट 2 ऑप्शंस है आपके पास। और भी काफ़ी ऑप्शंस है, लेकिन जो टॉप डिमांडिंग है वही हमने ये वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपको इन पांचों में से कोई भी कोर्सेज के लिए एनरोल करना है, तो उसके बाद आप कैनेडियन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बहुत सारी कॉलेजेस का लिस्टिंग देके कॉलेजेस आप फिल्टर करना स्टार्ट करते हो। तो अगर आपको ये 5 में से कोई कोर्स के बारे में और डीपली जानना है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।